हेलो गाइस, दिस इज़ एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 9th. फर्स्ट क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज दैट एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. डेफिनेशन ऑफ रियल नंबर सेज दैट रैशनल और इरेशनल का मिक्सचर इज द रियल नंबर. ओके, सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि सारे के सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं. येस ऑफ कोर्स हो सकते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट सेज दैट एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम, वेयर एम इज द रैशनल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. एग्जाम्पल -2, -3 एंड सो ऑन. हम क्या ले सकते हैं, इनका स्क्वायर रूट कभी भी नेचुरल नंबर नहीं होगा, विच इज़ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. सो बस इतना याद रखिए कि नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट एम ऑन द नंबर लाइन. ओके, थर्ड स्टेटमेंट सेज दैट एवरी रियल नंबर इज द इरेशनल नंबर. नो, बिकॉज रियल नंबर इज अ मिक्सचर ऑफ रैशनल और इरेशनल बोथ, और यहाँ पे खाली दिया हुआ है इरेशनल नंबर. सो एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं 2, विच इज अ रियल नंबर बट नॉट द इरेशनल नंबर. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड क्वेश्चन सेज दैट आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज अ रैशनल इरेशनल नंबर इफ नॉट गिव एग्जाम्पल ऑफ अंडर रूट ऑफ द नंबर दैट इज द रैशनल नंबर. तो फिर ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिनका अंडर रूट करने पे रैशनल नंबर मिल जाए. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, √4, √9, √16, √24, √24 एंड सो ऑन. √4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, √9 को 3 एंड सो ऑन. ठीक है, जो कि 2 और 3 ये क्या है, 2, 3, 4, 5, 6 ये क्या है, रैशनल नंबर. बिकॉज 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, 3 को लिख सकते हैं 3/1, विच इज ऑफ द फॉर्म p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0. ये तो होती है डेफिनेशन रैशनल नंबर की. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट शो दैट √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. √5 को हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो सबसे पहले √5 से पहले √4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2. ओके, तो √5 को हम क्या लिख सकते हैं, 2² + 1² इन द अंडर रूट. ओके, विच गिव्स 4 और 1, दैट मीन्स √5. मतलब ये हमने सही किया है. ओके, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड व्हाट वी गेट, 5 and 2² and 1² कंपेयर करेंगे अगर हम इन दोनों को, तो हम इसको बोल सकते हैं परपेंडिकुलर और इसको बोल सकते हैं बेस. ठीक है, अब चलिए अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं. हमने क्या किया है, स्केल से ये लाइन ड्रॉ कर ली है, 1 सेंटीमीटर का गैप लेके इनको यहाँ पे लेबलिंग कर ली है, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, -1, -2, -3 एंड सो ऑन. ओके, 2 क्या लिया हमने यहाँ पे, बेस. तो 2 यूनिट का क्या ले लिया हमने, यहाँ तक क्या है ये, बेस. ओके, 2 इज द, यहाँ तक 2 यूनिट इज द बेस. डी की हेल्प से हमने यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करा है. क्यों, ये इसको यहाँ पे जॉइन कर दिया, मतलब स्केल से इसको जॉइन कर दिया. 1 सेंटीमीटर का क्या है, परपेंडिकुलर. तो स्केल से मेज़र करके ये वाली लेंथ क्या है, 1 सेंटीमीटर. अभी इसको पूरा जॉइन नहीं करेंगे, बस इससे ये पता चला है कि ये स्ट्रेट लाइन आएगी. ठीक है, ये क्या हो गया, 1 सेंटीमीटर. 0 को पॉइंट ए से जॉइन कर दिया, विच इज़ √5. क्यों, क्योंकि ये 1, ये क्या है यूनिट, ये क्या है 2, ये है 1. तो ये इस ट्राइंगल को सेटिस्फाई करेगी. तो 2² = 4, 1² = 1. तो 4 + 1 = 5, √5. दिस इज़ √5, लेकिन √5 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है. तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे, इतनी मेजरमेंट फिल करके इसमें यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ओके, सर्कल ड्रॉ करेंगे. अब ये सर्कल डॉटेड लाइन में ड्रॉ करना है, बस मेन लाइन कहाँ से ड्रॉ करनी है, इस वाले पॉइंट से नंबर लाइन तक. अब ये आर्क जहाँ पे कट करेगा नंबर लाइन को, दैट इज़ द रिक्वायर्ड लाइन विच इज़ √5. तो ये ऑरेंज लाइन यहाँ से दिख रही है ना, पॉइंट 0 से लेके पॉइंट बी तक, दैट इज़ √5. ओके, दैट इज़ √5. थैंक यू सो मच.